देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय सेना के रिटायर फौजी का शव एक सिंचाई नहर में डूबा मिला। जी हां दोस्तों, राजधानी देहरादून के गोरखपुर मार्ग के पास संदिग्ध हालत में पूर्व फौजी और एक महिला का शव बरामद हुआ। दोनों के शव सिंचाई गुल में पानी में डूबे मिले। बता दें कि आंबीवाला निवासी पूर्व फौजी संदीप मोहन पुत्र मदन मोहन रविवार सुबह करीब 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जबकि महिला कोठी में खाना बनाने जा रही थी। पुलिस ने दोनों को किसी वाहन से टक्कर लगने, डूबने या फिर किसी अन्य तरीके से हत्या होने की आशंका जताई है। दोनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पूर्व फौजी अक्सर 1 या 1.5 घंटे में घर वापस आते थे, लेकिन रविवार को 3 घंटे बीत जाने के बाद वह घर नहीं पहुंचे। परिजन चिंतित होने लगे। उन्होंने आसपास तलाश की मगर उनका कोई पता नहीं चला, फोन भी नहीं उठाया। इस पर संदीप मोहन की पत्नी ने गांव में रहने वाले अपने पिता को फोन किया और उनके गायब होने की सूचना दी। उन्होंने भी आसपास के लोगों के साथ मिलकर काफी दूर तक तलाश की मगर कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को संदीप मोहन का मोबाइल नंबर दिया, जिसने दिल्ली में अपने एक मित्र के माध्यम से मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली। एक अन्य राहगीर ने देखा कि वहां संदीप का मोबाइल पड़ा था। करीब 1 मीटर की दूरी देखा कि संदीप सिंचाई गुल में डूबे हुए थे। उनके पैरों के पास एक महिला भी डूबी हुई थी। दोनों के चेहरे पानी में साफ दिखाई दे रहे थे। इससे सूचना पर पहुंची प्रेमनगर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि यह क्षेत्र बसंत विहार थाने का है। बसंत विहार थाने से पुलिस पहुंची और महिला के बारे में जानकारी ली। महिला की पहचान हेमलता पत्नी सुनील कुमार निवासी पीतांबरपुर के रूप में हुई है। पता चला है कि हेमलता रोज सुबह सवेरे पास के ही गांव में एक कोठी में खाना बनाने जाती थी। पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लिए, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। पुलिस मान रही है कि पास से गुजर रहे किसी वाहन ने टक्कर मारी है और इससे इन दोनों की मौके पर मौत हो गई और तीसरी आशंका जताई जा रही है कि हत्या भी हो सकती है। देवभूमि उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हिमपात हुआ। हिमपात से पहाड़ी के निचले इलाकों में भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड मौसम पुनर्मान ने राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के सभी जिलों में बारिश एवं ओलावृष्टि को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। केदारनाथ धाम में बीती रात से बर्फबारी शुरू हो गई। मंगलवार सुबह से यहां बर्फबारी होती रही। बर्फबारी के कारण निर्माण कार्य के विभिन्न स्थानों के कर्मचारी और मजदूरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केदारनाथ में करीब 1.5 फीट बर्फ गिर गई है। बर्फबारी का यह सिलसिला जारी है तो आने वाले दिनों में यहां निर्माण कार्य करने वाले और कठिनाइयां हो सकती है। हालांकि निर्माण में जुटी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1-2 दिन में मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन उत्तराखंड में लगातार मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार मौसम बदल गया है। अब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ की चोटियों पर हो रही बर्फबारी से अब ठंड मैदानी क्षेत्रों में भी पहुंच चुकी है। बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। सीमांत में दूसरे दिन भी आसमान बादलों से ढका रहा। इस दौरान हिमालय की ऊंची चोटियों पर हिमपात होता रहा। हिमपात के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा चुकी है। मुनस्यारी से मिल रही जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि से ही हिमालय की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम ने करवट बदलने से उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बारिश की संभावना जताई है।